हेलो स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू इंटरेस्टिंग गेम होगा यहाँ पे टू टीम्स एंड एक टीम जिसके पास आई थिंक कंडीशन जो थोड़े से स्लो एंड कंपेरिजन टू अदर वेन्यूज साउथ अफ्रीका तो एक अच्छा प्रिव्यू होना चाहिए सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट वील स्टार्ट

तो एक पूरा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए नो कंसर्न ऑन दैट फ्रंट एंड बात की जाए पिच रिपोर्ट की तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है पाल पे की थोड़े से स्लोअर वेन्यूज है इन कंपेरिजन टू अदर वेन्यूज जो हम देखते हैं अक्रॉस साउथ अफ्रीका जो हमने यहाँ पे पहला गेम भी देखा था वहां पे चेज नहीं हुआ था

तो पहले प्लेयर यहाँ पे फोपाल रॉयल्स आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम जॉस पटलर रिसेंटली इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है बट लास्ट गेम में थोड़ा ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा था वर्सेस जेएस के टू मैचेस 52 टू रन वन की स्ट्राइक रेट तो अच्छा किया इनके सामने एंड पाल पे भी इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है ऑब्वियसली यही आपके की कीपिंग चॉइसेस गेम के लिए तो so आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना है या नहीं एज रॉन ऑब्वियसली इन एक्सपीरियंस है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो ड्रीम टीम कीपर नहीं बन सकते बिल्कुल बन सकते हैं अपने दिन पे कुछ भी हो सकता है बट ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा गैप uh, इन क्वालिटी इन बोथ द कीपर्स बात करते हैं दूसरे बाटे की जेसन रॉय वापस इनका फॉर्म थोड़ा पैच ही रहा है लास्ट गेम में अच्छी बैटिंग ट्रैक पे भी इन्होंने अपना गेम सेट नहीं कर पाए वहां पे भी जल्दी आउट हो गए हैं एंड एक अच्छा बैट फ्लो है इनका अच्छे रन बना सकते हैं हिस डे बट वही प्रॉब्लम है इनका भी फॉर्म का एक बिग कंसर्न है एट पाल इनके नंबर्स खास नहीं है अगर स्लो पिच रहा वापस तो इनको तकलीफें होंगी वर्सेज जेएस के टू मैचेस तो सेवेंटी थ्री रन रिकॉर्ड आई थिंक काफी अच्छा

सो so, फिर भी अल्कोहल कॉलेम फिफ्टी फिफ्टी पिक बट ग्रैंड लीज में बिल्कुल ट्राई करूंगा इस फॉर्म इनका काफी अच्छा है डेविड मिलर की बात की जाए तो अगेन ये ऐसी पिच है जो मे बी इन्हें शूट ना करे बट इन्होंने अब अपना गेम थोड़ा एडजस्ट किया है पिच को एडजस्ट करने के हिसाब से तैयार है ऐसा नहीं कि इन्हें पहले बॉल से शॉर्ट्स खेलने हैं तो वो हिसाब से ठीक है बट जेएस के नंबर्स काफी खराब है टू मैचेस में सिर्फ तेरह रन एंड एट पाल इलेवन मैचेस टू सेवन रन ऑब्वियसली यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है करेंगे तो वो हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो बट नॉट स्टेट फॉर रिस्क मैं सीधा सीधा छोड़ दूस इनका फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है लास्ट कुछ गेम से अब चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ फेबिन एलिन इन्हें कुछ खास मौका नहीं मिला है ऑफलेट फिनिशिंग ऑर्डर में बैट कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर बट इन्हें इनकी अब तक एक ही ओवर आई है विद द बॉल उन्होंने कुछ खास कर नहीं पाए एंड फिनिशिंग ऑर्डर में विद द बैट भी इतना मौका नहीं मिला उन्हें टू प्रूव हिमसेल्फ अब क्योंकि ये ट्रैक है काफी राइट हैंडर्स सामने मे इस गेम में थोड़ा ज्यादा मौका मिल जाए बट टोटली डिपेंड्स की लाइनअप कैसी उतारते हैं पाल रॉयल्स एक जीएल पिक कहूंगा अभी के लिए बेस्ड ऑन द फैक्ट की अपॉर्चुनिटी इतनी खास नहीं मिल रही इन्हें एंडेल पेप्लुक वाई अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इनके जो cutters and variations है, ऐसे track पे बखूबी काम आएंगे and आप देख रहे हो so पहले बोलिंग करेंगे तो मे बी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट बन जाते हैं बजॉन 14 अब लास्ट कुछ गेम से इनका इन कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रह पाया है, बट उसके लक इनके साथ नहीं था तो मुझे लग रहा है अगेन डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग एंड अगर सेकेंड बॉलिंग करते हैं फिर तो डेफिनेटली मेरी साइड में रहेंगे थोड़े से डिफेंसिव स्पिनर है तो फर्स्ट बोलिंग में खेल के निकाला जा सकता है लुंगी एनगीडी ऑल फेस बोलर अच्छी बोलिंग की थी इन द लास्ट गेम फाइनली एक बोलर जिन्होंने तीन से ज्यादा विकेट दैट वॉज लुंगी definitely डेफिनेटली स्टेट फॉर पिक वेदिंग फर्स्ट और बोलिंग सेकेंड बोलिंग फर्स्ट में एक जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चौस भी बन जाते हैं स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टन बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं ओवन पे वापस इनके जो cutters है इस टाइप के पिच पे बिल्कुल काम आएंगे एंड फर्स्ट bowling में डेथ में इनके numbers, of course बहुत ही ज्यादा अच्छे तो इस टाइप के वेन्यू पे डेफिनेटली वर्थ पिकिंग इन योर साइड

सो so ऑब्वियसली काफी समय के बाद आ रहे हैं विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसा खेलते हैं हमने देखा एक जो बड़ी वीकनेस है इनकी वो ये है कि जब एक स्लो या टर्निंग ट्रैक है वहां पे कभी कभार इन्हें स्ट्राइक रोटेशन में तकलीफ हो सकती है यहाँ पे क्योंकि फॉर्म भी इनके साथ नहीं है सो दैट माइट बी अ कंसर्न सो कीप दैट इन माइंड

करना पसंद करते हैं वर्सेस पाल एक मैच में चार रन एट पाल काफी खराब रिकॉर्ड है सिर्फ सत्रह का एवरेज एंड सौ का स्ट्राइक रेट वो भी दस मैचेस में तो इस टाइप की पिच में भी उन्हें सूट ना करे एज इन पसंद है स्टार्टिंग से अटैक करना सो मे बी वर्ड टेकिंग द चांस स्पेशली ऑन रीजा हेनरिक्स इवन दो फॉर्म इनके साथ है रॉन एंड जैसे मैंने कहा जॉस बटलर बहुत ही क्वालिटी चॉइस है अपकमिंग कीपर है कुछ खराब नहीं कहूंगा इनके बारे में होपफुली थिंग्स गो वेल फॉर हिम

इस गेम में इनकी बोलिंग भी यूज हो सकती है स्पेशली अगर फंगीसो नहीं खिलाए जाते तो अगर ये टीम देखती है कि पिच से टर्न मिल रहा है ना तो ये एज अ थर्ड स्पिनर उतर जाएंगे ऑटोमेटिकली तो डेफिनेटली कीप दैट पॉइंट इन माइंड जब आप स्पेशली अपनी ग्रैंड लीग टीम्स भी डेविड बीसा लोअर ऑर्डर बैटर एंड मीडियम अब मैं स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ इनके जो कटर्स है ऐसे टाइप के पिचेस पे काफी काम आएंगे सो डेविड डेफिनेटली अ पिक हैविंग स्पेशली जब पहले बॉलिंग करते हैं लास्ट गेम में भी हमने देखा कि डर्बिन में जैसे ही पिच थोड़ी स्लो हो गई एंड थोड़ा बॉल पकड़ने लगी ऑन द पिच तब हमने देखा कि इनका काम वहीं पर शुरू हो गया एंड ये ऐसी ही टाइप की ट्रैक है सो डेविड बीसा का काम बिल्कुल यहाँ पे बन सकता है एंड सेम फॉर ओमारियो शेपोर्ट इनकी भी जो बॉलिंग है कटर्स एंड वेरिएशन पे बहुत

राइट आर्म लेग ब्रेक एंड बाय चांस आई मीन चांस ड्रॉप करने की आपको पिक करना है आपको बिल्कुल पिक करना है सेकंड बोलिंग में मे भी आप चांस ले सकते हो इमरान ताहिर अब पिच इन्हें यहाँ पे शूट करेगी आई थिंक इन्हें भी इंतजार रहा होगा कि कोई ऐसी पिच पे खेला जाए जहां पे इन्हें भी कुछ हेल्प मिले एंड इनकी जो गूगली है विल कम इन यूज इवन अगेंस्ट द राइट हैंडर्स हमने देखा है काफी बार डिसीव किया विथ इज गुगली सो इमरान ताहिर एट पाल थ्री मैच टू विकेट कुछ खास नहीं किया अब तक बट आई थिंक ऐसे गेम में बिल्कुल काम आएंगे

Moin vs McQuaid 10 of 11, one wicket and strike rate of 90. So maybe अगर Mohin थोड़ा late आते हैं, this will be a match up to watch out for. Faaf versus Allen हमने देखा है कि काफी बार and जो भी मैंने GSK के previews बनाए अब तक आपने realize किया होगा ये pattern कि left arm spinners का Faaf के सामने negative match up रहा है. But इस case में आप देखो strike rate Faaf का 173 and 40 of 23 two wickets. Keep in mind 14 को ज्यादा नहीं खेला है उन्होंने domestically. दो सौ आठ का तो आप देख सकते हो कि ऐसे टाइप के मैचअप में क्या होगा दोनों जो प्लेयर्स है एक दूसरे के आमने सामने टकरे एंड अटैकिंग बोलिंग एंड अटैकिंग बैटिंग आपको देखने को मिलेगी सो बैटल ऑफ फायर अब चलते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम की तरफ

एंड डेविड बीसा ये प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड मैं तो किनी पे भी चांस नहीं लूंगा ग्रैंडलीग रोटेशन में भी रहें, बिल्कुल रहेंगे ये होंगे मेरे टॉप चॉइसिस अब यहाँ से लास्ट ऑपिक्स आप कैसे करोगे ओबेड में कोई अगर पहले बोलिंग करते हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगा अगर बजॉन फोर्टीन सेकेंड बोलिंग होती है पाल रॉयल्स की तो मैं उनके साथ जाऊंगा एंड लास्ट चॉइस यहाँ पे आप जा सकते हो हैदराबेद इमरान ताहिर या आप जा सकते हो विद फैब डुप्लेसी इफ देर चेजिंग तो माइंड में रखिए बात को कि आप कैसे वो लास्ट दो तीन पिक्स करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट तो दो इंटरेस्टिंग कमेंट्स मैंने देखी थी ऑन द चैनल सोचा सबको हाईलाइट कर लो एंड समझ लो कि आप सबका भी क्या ओपिनियन है इस मैटर पे तो यहाँ पे किन्होंने कहा था कि जो प्रिव्यू वो देख रहे हैं साउथ अफ्रीका ट्वेंटी का उनसे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन से उन्हें कुछ हेल्प मिल रही है उनसे उनका एक आध क्लीन स्वीप हुआ था एंड दूसरी तरफ है एक आसामी ड्रीम इलेवन एक्सपर्ट एंड उन्होंने कहा है कि क्या फायदा फायदा वीडियो बना के ना टीम दे पा रहे हो और ना जिता पर बंद करो कर दो ये बकवास तो अब आप अपना ओपिनियन दीजिए आपको क्या लगता है इस मैटर पे एंड मैं बस इतना ही कहूंगा इस चीज पे कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है किसी को कि आपको वीडियो बिल्कुल देखना है या कुछ भी करना है मैं क्या करता हूँ वो जो लिंक है चैनल पे डालता हूँ बाकी आपकी मर्जी बिल्कुल आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है आप देखिए स्टार्ट टू एंड नहीं पसंद आ रहा है मत देखिए टोटली अप टू यू एक डेमोक्रेटिक इंडिया है ये बस आपका ओपिनियन समझना चाहता हूँ क्योंकि ये आप सबके लिए बन रहा है तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल में बताइएगा ताकि ये कॉन्टेंट में आगे अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की तो आई थिंक रोमारियो शेपर्ड एक टॉप कैप्टनसी चॉइस होंगे मेरे लिए डेथ ओवर्स में डालते हैं बैट के साथ भी इनका रोल इंपॉर्टेंट है तो पहले बोलेंगे अगर जे की आती है तो रोमारियो शेपर्ड एंड फिर होंगे एंडेल पेप्लोक मेरे वीसी While अगर पाल रॉयल्स पहले बोलिंग करती है तो फिर ये मैं रिवर्स कर दूंगा। uh, no के साथ जाना प्रेफर नहीं करूंगा एस प्रॉब्लम क्या है क्योंकि पिच थोड़ी सी ट्रिकी है अगर बैटर नहीं चला तो तभी आपका गेम खत्म हो जाएगा उसके अलावा एक ठीक ठाक चॉइस यहाँ से मुझे लग रहे हैं जॉस बटलर कीपिंग वैल्यू भी मिल सकती है सो आई थिंक दीज आर माई टॉप गेम अभी के लिए मैं जा रहा हूँ इन दो चॉइसिस के साथ उसके अलावा कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा ऑन टेलीग्राम अब चलते हैं हमारे ग्रैंड लीग ऑप्शन की तरफ अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शन की तरफ अब ऐसे स्टेज पे हम आ चुके हैं कि आप ही मुझे बता दो कौन से ग्रैंड लीग पिक्स लेने बेस्ड ऑन द प्लेयर कार्ड लो सिलेक्ट डारकॉस पिक्स तब्रेश शामजी बेजॉन फोर्टीन इमरान ताहिर